हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल इजी सी रेसिपी। तो वीडियो को फुल वॉच करना, अगर चैनल पे नहीं होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही कम टाइम में और झटपट बनने वाली केक की रेसिपी मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए, जो बहुत ही कम टाइम में बनने वाली है, बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट बन के रेडी होंगे। तो आइए चलिए वीडियो को एक बार देख लेते हैं। तो केक बनाने के लिए मैंने यहाँ ये विकफील्ड का कुकर केक लिया है, ये मिक्स चॉकलेट केक है। यहाँ मैंने इग्लिस चॉकलेट केक लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही इजी है और मिनटों में ये केक बनके रेडी हो जाते हैं और बहुत ही स्पंजी केक बनते हैं। इसके ऊपर सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, आप इसे पढ़कर आराम से इसे बना सकते हैं। अब मैं इसे खोलती हूँ, आपको खोलकर दिखाती हूँ इसके अंदर है क्या। तो इसके अंदर एक पैकेट दिए गए हैं इस तरीके से, इसका क्वांटिटी भी अच्छा है। मैं इसे खोलकर दिखाती हूँ, मैं सबसे पहले इसे कट कर लेती हूँ। तो इसे कट करने के बाद इसके अंदर ये चॉकलेट पाउडर निकला, इस तरीके से ये चॉकलेट पाउडर निकला। इसे मैं सबसे पहले एक कटोरी में डाल लूँगी। इस केक को बनाने का सबसे फ़ायदा चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, इसमें कुछ भी आपको ड्राई इंग्रेडिएंट्स नहीं डालना है। विदाउट ड्राई इंग्रेडिएंट्स से हमें केक को बनाना है, क्योंकि इस पाउडर में सारे इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं। इसमें सिर्फ हमें ऑयल ऐड करना है। तो यहाँ मैं ऑयल 30 ml ऐड करूँगी और हमें इसमें मिल्क ऐड करना है 125 ml। तो इसे ऐड करने के बाद, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मिल्क हमें सारा ऐड नहीं करना है। सबसे पहले मैं आधा मिल्क ऐड करूँगी और अच्छे तरीके से हमें इसे मिक्स कर लेना है। बहुत ही इजी ये मिक्स हो जाते हैं और बहुत ही झटपट मिक्स होते हैं, इसकी यही एक खूबी है, मुझे बहुत पसंद आए। उसके बाद जो बचे हुए मिल्क है उसे भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और अच्छे तरीके से मैं 2 मिनट तक इसे मिक्स कर लूंगी। झटपट हमें इसे मिक्स कर लेना है और बहुत ही इजीली ये घुल जाते हैं। ये देखिए बहुत ही इजीली ये मिल्क के साथ मिक्स हो गए हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमें इसे साइड में रखना है। तो आप लोग ये केक एक बार ट्राई कर सकते हो, बहुत ही स्पंजी केक बन के ये रेडी होगा और बहुत ही कम टाइम में बनने वाला ये कुकर केक है। तो यहाँ मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ पे केक टिन लूँगी। तो केक टिन में हमें सबसे पहले ऑयल ग्रीस कर लेना है। तो अच्छे तरीके से मैं ब्रश के हेल्प से पूरे केक टिन में अच्छे तरीके से ऑयल ग्रीस कर लूँगी। यहाँ मैंने अच्छे तरीके से ऑयल ग्रीस कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ सूखा आटा लिया है, या फिर आप मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सूखा आटा स्प्रिंकल करके उसे भी हमें अच्छे तरीके से केक टिन में इस तरीके से डैप डैप करके थोड़े इसमें ग्रीस करके लगा लेना है। तो ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से लगा दिया है। उसके बाद जो बैटर मैंने रेडी किया था, सारे बैटर को मैं केक टिन में ऐड कर दूँगी, अच्छे तरीके से इसे ऐड कर दूँगी। स्पैचुला की मदद से मैं अच्छे तरीके से सारे बैटर को इसमें ऐड कर दूँगी। तो सारे बैटर को ऐड करने के बाद हमें केक टिन को थोड़ा डैप डैप करके अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। तो इस तरीके से हमें डैप डैप करके सेट कर लेना है, बिल्कुल परफेक्ट अच्छे तरीके से ये सेट हो जाएंगे। तो अच्छे तरीके से मैंने इसे सेट कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पानी पहले ही बॉईल कर लिया था कुकर में। किसी भी स्टेनर रख के आप पानी को पहले बॉईल कर सकते हैं। पानी मैंने यहाँ 1 ग्लास लिया है और उसके बाद ये केक टिन को मैं रख दूंगी और ढक्कन लगा के कुकर का मैं इसे 30 मिनट तक छोड़ दूंगी पकने के लिए। तो यहाँ मैंने कुकर के ढक्कन में सीटी को नहीं लगाया है, विदाउट सीटी हमें केक को कुक करना है। तो ये देखिए 30 मिनट हो चुके हैं। मैं कुकर का ढक्कन को खोल कर चेक करती हूँ केक जो है हमारा अच्छे तरीके से कुक हुआ है कि नहीं। मैं यहाँ टूथपिक लगा के इसे चेक करूँगी, अगर हमारा टूथपिक एकदम क्लीन आया तो हमारा केक एकदम परफेक्ट रेडी हो चुका है। तो ये हमारा केक बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। अब मैं इसे ठंडा करके केक टिन से निकाल लेती हूँ। तो यहाँ मैंने पहले ही ठंडा करके इसे निकाल लिया है, ये देखिए। उसके बाद मैंने इसे एक प्लेट पर ले लिया। अगर आपने चाहा तो आप इसे यूं ही खा सकते हैं, बहुत ही स्पंजी केक बन के रेडी हुआ है। बट मैं इसे थोड़े अपने तरीके से डेकोरेट कर देती हूँ। तो केक को मैंने बीच से कट कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें चॉकलेट ऐड कर दूंगी। चॉकलेट को मैंने मेल्ट कर लिया है, मेल्टेड चॉकलेट को मैं इसके ऊपर से लगा दूंगी। फिर दूसरे लेयर वाले में भी मैं यही करूंगी, सेम प्रोसेस मैं सेकंड लेयर के साथ भी करूंगी, चॉकलेट लगा दूंगी। अच्छे तरीके से मैंने चॉकलेट इस पर स्प्लिट करके लगा दिया है। उसके बाद इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल जैम्स और ड्राई फ्रूट्स के साथ हमें इसे डेकोरेट कर देना है। उसके बाद आप इस केक को खाओ मज़े लेकर। बहुत ही स्पंजी और बहुत ही टेस्टी केक बन के रेडी हुआ है, बहुत ही कम टाइम में बनने वाला ये केक है। और सच में गाइस आप लोग इसे ट्राई करना। अगर आपके पास कम टाइम हो और आपको केक बनाना हो तो आप विकफील्ड का ये चॉकलेट केक ज़रूर ट्राई करना। इसका खूबी है ये बहुत ही स्पंजी केक बन के रेडी हुआ है, आप इसे यूं ही भी खा सकते हैं, आपके मन के ऊपर है, आप इसे डेकोरेट करके भी खा सकते हैं।
बहुत ही स्पंजी और बहुत ही फ्लफी केक बन के रेडी हुआ है। मुंह में जाते ही ये केक एकदम पिघल जाते हैं, बहुत ही मज़े आएंगे खाने में। और सबसे पहली बात तो ये बहुत ही कम टाइम में बनने वाली केक की रेसिपी है, तो मेरी इस रेसिपी को आप लोग अपने घरों में ज़रूर ट्राई करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो जो लोग मेरे पिछले वीडियो वॉच नहीं कर रहे हैं, जल्दी जाओ मेरे वीडियो को वॉच कर लो और मेरे वीडियो को लाइक करो, मेरे रेसिपीज़ को अपने घरों पर ट्राई करो। और कैसा बना था कमेंट करके ज़रूर बताना। एकदम सिंपल, इजी और स्टेप बाय स्टेप मैं रेसिपी लेकर आती हूँ। तब तक के लिए चलो बाय।